अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज मैं लाई हूँ डीआईवाई मैंने बनाया है बच्चों का अरहम और इफ्रा का रेजोल्यूशन कैलेंडर 2021 जो कि इसके आप लोग कंप्लीट वीडियो देख सकेंगे न्यू ईयर पे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको ये सबसे पहले मैंने जो है स्केल की मदद से आप मार्कर या पेंसिल जिसकी मदद से भी चाहे सा से एक चार्ट सा बना लें मैंने इसका चार्ट बनाया है एक साइड पर आरह का कैलेंडर होगा एक साइड पर इफ्रा का कैलेंडर होगा और ये मैंने फिर उसको पिंक और ब्लू मार्कर से उसको जो है हाईलाइट कर दिया जितना आप कलरफुल मार्कर यूज़ करेंगे उतना बच्चे ज़्यादा पसंद करेंगे इफ्रा ने तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें एक्साइटमेंट शो की है कि मम्मा आपने बहुत अच्छा बनाया है तो इन शाला तला बाकी बच्चों को भी ज़रूर अच्छा लगेगा ये मैंने लिखा है इफ़ाज रेजोलूशन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन उसी तरह से मैंने अरहम रेजोलुशन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन लिखा है अब मैंने यहाँ पर रेजोल्यूशन चिट्स बनाई हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की एक कलर की दो मैंने चिट्स बनाई हैं जो एक तरफ अरहम का होगा एक तरफ इफ्राक का होगा इस तरह से मैंने काफ़ी सारे बना रहे हैं मैं इन पे बना रही हूँ डिफरेंट जो है शेप्स जो कि मैंने बहुत इस पर स्टडी किया है मैंने मंथ्स के लिहाज से जो है इसमें इस्लामिक जो है वो भी इम्पॉटेंट जो डेज हैं उनको मैंने मेंशन किया है प्लस जो हमारे इंग्लिश कैलेंडर है उसको भी और इसके अलावा जो है हमने पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेंट डेज जो आते हैं उसको भी मैंने किया है ये मैंने जनवरी बनाया है इसमें मैंने स्नो और स्नोमैन वगैरह क्योंकि और जनवरी में जो है इस्लामिक लिहाज से भी कोई ऐसा डे नहीं था कि जिसको मैं मैंशन कर सकूँ तो ये है सारे मेरे जिसमें मुझे तकरीबन चार पाँच घंटे लगे सबको बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का ये जनवरी का है इसके बाद आता है फेबररी ये कश्मीर डे के लिहाज से मैंने बनाया फिर फेबररी का ये कश्मीर लीफ कहलाता है मार्च मैंने ट्वेंटी थर्ड मार्च की मुनासबत से मिनार पाकिस्तान बनाया अप्रैल में हमारे रमज़ान आ रहे हैं और इसके अलावा डे भी है और जिस... जो है फ्लावर्स वग़ैरह मैंने दिखा दिए इसके बाद वाला सबसे ख़ूबसूरत है मई का क्योंकि इसमें हमारे ईद के कलर्स दिखाए गए हैं इसके अलावा लेबर डे भी है फ़र्स्ट मई को मई के बाद हमारे पास जून आता है जो कि सनी सीज़न मैंने दिखाया है पेड़ दिखा दिए और ग्रीनरी दिखा दी और सन दिखा दिया जून के बाद जुलाई आया इसमें हमारी आएगी बकरा ईद बकर के मुनास्बत से मैंने शीप वगैरह की जो है हल्की सी ड्राइंग की है अगस्त हमारा कोर्स फोर्टीन अगस्त और हराम भी है तो मैंने उस लिहाज से जो है बनाया है सितंबर हमारा डिफेंस डे के लिए स्पेशल था स्पेशल है तो मैंने वो बनाया उसके बाद अक्टूबर है अक्टूबर में रबी अव्वल स्टार्ट हो रहा है तो अक्टूबर में रबी अव्वल को मैंने फोकस किया है नवंबर हमारा ऑटम है तो वो है और दिसंबर जो है उसको मैंने कायद कैप और मज़ार कायद और क्रिसमस को जो है मैंने शो किया है और इसके अंदर जो है सीक्रेट भी है जो कि मैंने चिट्स तैयार कर ली थी बच्चों के रेजोलूशन की ये मैंने इफ्रा की जो फेवरेट थिंग्स हैं उनको मैंने इस तरह से एक कर लिया इफ्रा को यूनिकॉर्न बहुत पसंद है कही थी मैं, मैं यूनिकॉर्न लगाएं इसके अलावा यूटेंसिल्स बच्चियों के फेवरेट और इफ्रा को बारबीज़ और डॉल्स बहुत पसंद हैं तो उस लिहाज से मैंने ताज बनाया क्राउन बना लिया तो और इफ्रा सेवन प्लस की हो गई हैं तो उस लिहाज से ये अरहम को पेट्स बहुत पसंद हैं प्लस अरहम को जो है बॉल्स बहुत पसंद है और कार्स बहुत पसंद है तो उस लिहाज से मैंने ये बनाए और अरहम हम फोर प्लस के हो गए हैं तो ये कुछ टम्परेचर जो कि मैंने नेट से आइडिया लिया था ये बनाया मैंने इसके अलावा ये सारे सीजन्स दिखाए मैंने चारों सीजन्स को मैंने कैप्चर किया और ये छोटा से कप केक्स बनाए क्योंकि सिर्फ डेकोरेशन मैंने की जितना मैं कलरफुल कर सकी मैंने उतना इसको कलरफुल किया ये इफ्रा की बर्थडे नवंबर में आती है तो मैंने वो ऊपर मेंशन करके केक्स लगा दिए इसके बाद जो है ये मैं वैसे मैं तो मैंने इसको रोटेट टाइप का कर करना था बट वो मुझसे हुआ नहीं क्योंकि मुझे था कि मेरी कार्डशीट फट ना जाए इस वजह से मैंने इन सब को जो है जोड़ लिया था और मैं चाहती थी स्पेस ज़रा भर जाए और कलरफुल भी लगे और स्पेस भी लगे मैंने स्क्वायर स्टेप लेके अब मैं एक एक चर्च जो है वो मैं लगाती जाऊंगी और जो है अभी यहाँ पे सारी रेजोल्यूशन नज़र भी आ रही हैं बट इट्स ओके बच्चे हैं सब कुछ चलता है ये मैंने सारी स्क्वाच स्टेप लगा ली और बहुत कलरफुल सा ये कैलेंडर बन गया तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो इसको ज़रूर जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अपने बच्चों के लिए भी बनाना क्योंकि हमें कोई रेजोल्यूशनस हो हमारी नेक्स्ट ईयर की तो वो बहुत अच्छी होती हैं हमारे चैनल को अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हाफिज़